तो एबीटॉक के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस एपिसोड में मैं आपको हमेशा की तरह आईएसएल और इंडियन फुटबॉल से जुड़े कुछ नया और इम्पोर्टेंट अपडेट बताने वाला हूँ। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेशनल टीम के जो दो फ्रेंडली मैच हो गया है उन दोनों मैचों के बारे में। तो मैंने सोचा था कि मैं आपको पूरा जो टूर है वो कवर करके बताऊंगा एकदम डिटेल्स में, लेकिन भाई मेरे से नहीं हो पाया है, इसलिए मैं आप लोगों से सॉरी कहता हूँ। लेकिन मैच कम्प्लीट हो चुका है और यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ। तो भाई लाइव टेलीकास्ट को लेकर बहुत सारा प्रॉब्लम था, यूएई स्पोर्ट्स में लाइव टेलीकास्ट होना था, लेकिन उन्होंने हम लोगों को धोखा दिया, एएफएम ने भी हम लोगों को धोखा दिया। यूट्यूब में जाकर ढूंढ ढूंढ कर हमने देखा है इन दोनों मैचों को, और दोनों मैचों में अगर पहला मैच देखा जाए ओमान के खिलाफ तो इंडिया का परफॉर्मेंस वहाँ पर ठीक ठाक था मैं आपको कहूँगा। सेकेंड हाफ में बहुत ही बेहतरीन तरीके से कमबैक किया था इंडियन टीम ने और एक एक स्कोर लाइन पर वो मैच ड्रॉ था, तो वहाँ पर उतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म हमें नहीं देखने को मिला। लेकिन जो सेकेंड मैच हुआ कल यूएई के खिलाफ, बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर इंडियन टीम को यूएई के टीम ने डोमिनेट करते हुए हरा दिया है। 6-0 यूएई ने जीत हासिल किया है। 2010 के बाद एक बहुत ही बड़ा हार स्वीकार करना पड़ा है इंडियन टीम को, और अब भाई बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म सहना पड़ेगा एक उस टीम मैच को, क्योंकि वो लगातार हर मैच पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। देखिए हम लोगों को ज़्यादा तो इंटरनेशनल मैच नहीं मिलता है, लेकिन जितना मैच अभी मिल रहा है वहाँ पर एक्सपेरिमेंट ही करता जा रहा है एक उस टीम मैच। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उनको अब सोचना पड़ेगा या एएफएफ को सोचना पड़ेगा कि क्या कोच को सेलेक्ट कर देना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि थोड़ा बहुत हमें पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन अब भाई जिस तरीके से रिजल्ट आ रहा है हम लोगों को अब धैर्य रखना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत सारा क्रिटिसिज्म आने वाला है। तो लास्ट जो मैच है भाई उसके बारे में ज़्यादा कुछ ना बताए तो बेहतर रहेगा। और इगोस टीम के अंडर अभी तक इंडियन टीम ने 12 मैच खेला है, एक मैच पर सिर्फ जीत हासिल किया है, 5 मैच ड्रॉ किया है, 6 मैचों पर हरा है, और एक रेकॉर्ड ब्रेकिंग चीज़ भी कर दिया है उन्होंने अपने पहले मैच पर ही ओमान के खिलाफ। 10 डेब्यूटन हमें देखने को मिला है, नया खिलाड़ी इंडियन टीम में शामिल हुआ है। तो चलिए उन 10 खिलाड़ी का नाम मैं आपको एक बार बता देता हूँ। पहला है भाई आकाश मिश्रा, उसके बाद बिपिन सिंह, आशुतोष मेहता, सुरेश सिंह, उसके बाद चिंगलन सना सिंह, जक्सिन सिंह, यासिर मोहम्मद, लालिंग मावे जो कि भाई अपुया, उसके बाद ईशान पंडिता और मसूर शरीफ। और इन दोनों मैचों में भाई सबसे ज़्यादा ऊपर निखर के आया है पहले मैच पे सुरेश और अपुया, और सेकंड मैच हुआ भाई यूएई के खिलाफ उस मैच पे सिर्फ अपुया का ही भाई परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। लेकिन पूरा टीम का परफॉर्मेंस देखा जाए तो भाई बहुत ही भद्दा रहा सेकंड मैच भी यूएई के खिलाफ। और इस मैच के बारे में मैं ज़्यादा कुछ आपको बताने नहीं वाला हूँ, क्योंकि जितना सोच रहा हूँ इस मैच के बारे में उतना ही मुझे ख़राब लग रहा है। तो इस मैच के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं करूँगा। जब भाई 4 लगा उसके बाद मैंने मैच ही देखना छोड़ दिया था भाई, आज बहुत सारा ख़राब चीज़ हमें देखने को मिलेगा, और मैंने भाई फटाफट कल मैच को छोड़ दिया था 4 के बाद। और उसके बाद अंत में जाकर मैंने रिजल्ट देखा तो 6-0 से इंडिया को हारना पड़ा ये मैच। आप लोगों का भी क्या सोच है इन सभी मैटरों के बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। जितना हो सका मैंने आप लोगों को मेरा जो मन में चल रहा था वो एक्सप्रेस करने की कोशिश किया है, आप भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिए अपना मत प्रदान। और इसके बाद चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो भाई नेक्स्ट अपडेट आ रहा है सुपर कप के बारे में। आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई इस बार क्या सुपर कप होगा, क्योंकि लास्ट सीजन कोविड के चलते कैंसिल हो गया था। तो भाई सुपर कप इस बार होने वाला है, इस तरह का ही कुछ सोच रख रहा है एएफएफ और एफएसडीएल दोनों मिलकर। बहुत जल्दी हमें इसका पुष्टि देने वाला है। सुपर कप शायद आपको अगस्त के पहले वीक में ही स्टार्ट होते हुए दिखाई दे सकता है, और उसके बाद सुपर कप एंड होने के बाद आईएसएल भी स्टार्ट हो जाएगा इस बार, क्योंकि इस बार बहुत ही बड़ा सीजन होने वाला है, उसके चलते आईएसएल लेट नहीं इस बार जल्दी शुरू होगा और सुपर कप शायद इस बार हो सकता है। इस तरह का ही हमारे पास अपडेट है, लेकिन आगे जाकर और भी क्लियर तरीके से हमें पता चलेगा। अगर होता है सुपर कप तो अगस्त के पहले वीक में आपको शुरू होते हुए नज़र आ सकता है। नेक्स्ट इसके बाद अपडेट आ रहा है एफसी गोवा के एफसी चैंपियन लीग को लेकर। तो भाई एफसी गोवा ने अपना नया जर्सी लॉन्च कर दिया है एफसी चैंपियन लीग खेलने के लिए। आप लोग यहां पर एक बार देख लीजिए, बहुत ही धक्कर डिज़ाइन बनाया है, और उनके लोगों के ऊपर इंडियन फ्लैग का भी एक लोगो यहां पर बैठा दिया गया है, क्योंकि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला है एशिया में। तो भाई ये तो बनता ही है, और जर्सी बहुत ही धक्कर लग रहा है, मुझे तो भाई बहुत ही शानदार लगा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये जर्सी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अवे है ए वाला, और ए है भाई
जो होम जर्सी उनका रहता है उसका ही कलर है, तो दोनों जर्सी हमें नज़र आ रहा है अब, और दोनों ही बहुत ही धांसू है। और इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है एएफसी वुमेन एशियन कप 2022 को लेकर। आपको ऑलरेडी पता है कि इंडिया ने होस्टिंग राइट जीत लिया है, एएफसी वुमेन एशियन कप इंडिया होस्ट करने वाला है 2022 में, और उसका शुरुआत हो रहा है भाई 20 जनवरी, ये भी कन्फर्म हो चुका है। 2022 के 20 जनवरी एएफसी वुमेन एशियन कप इंडिया में स्टार्ट होगा, और उसके लिए एआईएफएफ ने कुछ दिन पहले 3 स्टेडियम का नाम भी घोषणा कर दिया है। पूरा टूर्नामेंट को इन्हीं 3 स्टेडियम पर खेला जाएगा। पहला है भाई नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम, उसके बाद भुवनेश्वर के कालिंग स्टेडियम और अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडियम। इन्हीं 3 स्टेडियम पर पूरा टूर्नामेंट को खेला जाएगा, एआईएफएफ ने इस चीज़ को कन्फर्म कर दिया है। और इसके साथ साथ वुमेंस टीम से जुड़े एक और अपडेट है जो मैं आपको अभी बता देता हूं। तो भाई इंडियन वुमेंस टीम अभी उज्बेकिस्तान गया है, वहां पर जाकर फ्रेंडलीज मैच खेलने वाला है उज्बेकिस्तान और बेलारूस के साथ, अप्रैल महीने में ही खेलने वाला है, यानी कि कुछ दिनों के बाद ही, और उसका फुल डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। धीरे धीरे जो अपडेट आएगा इस फ्रेंडलीज मैच के बारे में वो मैं आपको प्रदान करता रहूँगा। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट आ रहा है नॉर्थ यूनाइटेड एफसी के मिडफील्डर लुइस मचाडो को लेकर। आपको ऑलरेडी पता है कि इस बार लुइस मचाडो नॉर्थ यूनाइटेड एफसी की तरफ से खेलते हुए बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस क्या है गलेगो लुइस मचाडो का, जो जोड़ी था भाई बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा था टीमों के लिए, और उसके ही बदौलत इस बार नॉर्थ यूनाइटेड एफसी पहुँचा था प्ले ऑफ में। और लुइस के इस परफॉर्मेंस को देखते हुए आईएसएल के 2 क्लबों ने उनको अप्रोच किया है, 2 क्लब ने उनके पास ऑफर भेजा है। अभी तक दोनों क्लब का नाम हमें पता नहीं चला है, लेकिन 2 क्लब उनके ऊपर ट्राई कर रहा है, साथ साथ उनके पास यूरोप से भी कुछ ऑफर आया है। लेकिन लुइस मचाडो इंडिया में ही कंटिन्यू करने के लिए सोच रहा है, तो आपको शायद लुइस मचाडो फिर से नॉर्थ यूनाइटेड एफसी की टीम में नज़र आ सकता है अगर वो रिटर्न करता है उनको, तो नहीं तो वो भाई किसी दूसरे आईएसएल क्लब में आपको खेलते हुए दिखाई देगा इस बार, जो कि सबसे ज़्यादा चांस लग रहा है। तो भाई फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही, आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।